myself Rubina Chaudhary and today I am going to start first chapter from organic chemistry class 12. Student, today we are going to talk about halogen derivatives. We have done some basic parts of organic chemistry in class 11. Now there are some basic concepts which you will see in this chapter. This is your first chapter of class 12 organic chemistry and this is somehow little bit easier than compared to the other chapters. We are going to see many things like what we have seen in class 11 as well. So student, our chapter is known as a halogen derivative. What does this word mean, halogen derivative? This means anything that is made up of halogen. हेलोजन से बनी हुई चीज़ों को हम बोलेंगे दे आर डिराइव फ्रॉम हेलोजन और दे आर मेड फ्रॉम हेलोजन. सो व्हाट इज़ हेलोजन डेरिवेटिव? एनीथिंग दैट इज़ मेड अप ऑफ अ हेलोजन इज़ नोन एज अ हेलोजन डेरिवेटिव. सो व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट हेलोजन डेरिवेटिव आई विल राइट डाउन मेड अप फ्रॉम हेलोजन. ओके स्टूडेंट्स, ये किससे बना हुआ होगा? हेलोजन से बना हुआ होगा. तो बेटा अब अगर मैं हेलोजन के बारे में बात करूँ तो वैसे तो आप सब जानते होंगे कि हेलोजन किसको बोलते हैं. फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इन सबको हम ऑल टुगेदर क्या बोलते हैं? हेलोजन बोलते हैं. साथ साथ में हमारे पास एस्टेटाइन भी होता है बट उसको यूजुअली हम कंसीडर नहीं करेंगे. तो स्टूडेंट्स, हमारे पास जो हेलोजन हैं दे आर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन. दिस ऑल आर दी हेलोजेंस. और हम हेलोजन की जगह पे हमेशा एक अल्फ़ाबेट एक्स का यूज़ करते हैं. तो बच्चा, जब भी आपको ये एक्स अल्फ़ाबेट आता है वो क्या इंडिकेट करेगा? ये हेलोजन इंडिकेट करेगा. एक्स का मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन में से कुछ भी हो सकता है. तो स्टूडेंट्स, ये चैप्टर में हम वो चीज़ों के बारे में पढ़ने वाले हैं जो हेलोजन से बना हुआ है. एनीथिंग दैट इज़ मेड अप फ्रॉम हेलोजन, दिस इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी. नाउ स्टूडेंट्स, बिफोर दैट वी विल टॉक अबाउट सम बेसिक कंसेप्ट विच वी हैव सीन इन क्लास 11. तो बेटा आप सब जानते हो कि CH4 को हम मीथेन बोलते हैं, राइट स्टूडेंट्स? CH4 इज़ नोन एज अ मीथेन. वी ऑल नो दैट वेरी वेल. अब हम क्या करते हैं बेटा, अगर इस CH4 में से एक हाइड्रोजन को निकाल देते हैं, अगर हम CH4 में से एक हाइड्रोजन को एलिमिनेट कर देते हैं तो हमें मिल जाता है CH3, राइट स्टूडेंट्स? तो इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? इसको हम मिथाइल बोलते हैं, राइट स्टूडेंट्स? क्या बोलेंगे हम? मिथाइल बोलेंगे. बेटा अब अगर मैं देखूँ तो वी कैन कॉल इट एज अ R, राइट स्टूडेंट्स? तो अगर ये CH3 में से मैंने ये CH4 में से अगर मैंने एक हाइड्रोजन निकाल दिया तो वो मेरा क्या हो गया? मिथाइल हो गया. तो स्टूडेंट्स, हेलोजन डेरिवेटिव में हम करते क्या है बेटा? हेलोजन डेरिवेटिव में बेटा मैं एक हाइड्रोजन को निकाल दूंगी और उस हाइड्रोजन की जगह पे मैं एक हेलोजन डाल दूंगी. दैट मीन्स मैं थ्रू आउट द चैप्टर रिप्लेसमेंट करूंगी. मेरे जो अल्केन के, अल्काइन के और अल्कीन के ग्रुप्स हैं उनमें से मैं हाइड्रोजन को एलिमिनेट करूंगी और उस हाइड्रोजन की जगह पे मैं क्या करूंगी? हेलोजन को ऐड करूंगी. फॉर नाउ, जैसे कि मैंने मीथेन में से CH4 में से एक हाइड्रोजन निकाल दिया और यहीं पे बेटा अगर मैं ऐड कर देती हूँ एक क्लोरीन, ओके स्टूडेंट्स, तो मुझे यहाँ पे मिल जाएगा CH3Cl और इसको हम क्या बोलेंगे? वी आर गोइंग टू कॉल इट एज अ मिथाइल क्लोराइड. और इसको हम क्या बोल दिए बच्चा? मिथाइल क्लोराइड बोल दिए. तो ये मिथाइल क्लोराइड जो है आपका ये हेलोजन डेरिवेटिव है बिकॉज इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम हेलोजन और इट इज़ मेड अप फ्रॉम हेलोजन. ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमें बेसिकली करना है थ्रू आउट द चैप्टर. हमें क्या करना है बेटा? हमें जो है हाइड्रोजन की जगह पे हेलोजन को डालना है. मैं एक हाइड्रोजन निकाल के एक हेलोजन डाल दूंगी. सेम इसी कंपाउंड में बेटा अगर मैं चाहूँ तो आई कैन एलिमिनेट 2 हाइड्रोजन और मैं अगर 2 हाइड्रोजन निकाल देती हूँ तो आई विल गेट CH2 और फिर मेरे कार्बन को 2 बॉन्ड बनाने थे तो मैंने वहाँ पे Cl2 लगा दिया. मैं रिप्लेसमेंट कर रही हूँ हाइड्रोजन का बाय हेलोजन। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज व्हाट वी विल सी थ्रू आउट दी चैप्टर। तो बेटा अब अगर हम देखें तो लुक एट द डेफिनेशन ऑफ अ हेलोजन डेरिवेटिव। हेलोजन डेरिवेटिव होता क्या है? रिप्लेसमेंट ऑफ अ हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम का या हाइड्रोजन एटम्स का हम रिप्लेसमेंट करेंगे बाय वो रिप्लेसमेंट, जैसे कि अब रिप्लेसमेंट सी मतलब कोई भी एलिफेटिक कंपाउंड में भी हो सकता है या फिर वो एरोमेटिक कंपाउंड में भी हो सकता है। यहाँ पे बेंजीन रिंग से मैं हाइड्रोजन को निकाल के अगर क्लोरीन या कोई हेलोजन डाल देती हूँ तो वो भी क्या हो जाएगा? हेलोजन डेरिवेटिव हो जाएगा। तो बेटा रिप्लेसमेंट ऑफ अ हाइड्रोजन एटम और एटम्स इन एलिफेटिक और एरोमेटिक, एलिफेटिक और एरोमेटिक में से बाय हेलोजन। और हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट मैं किससे करूंगी? हेलोजन से करूंगी, और इसी को हम हेलोजन डेरिवेटिव बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने डेफिनेशन ऑलरेडी लिख रखा है। रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम इन एलिफेटिक और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बाय हेलोजन एटम इज कॉल्ड एज अ हेलोजन डेरिवेटिव। उसी को हम क्या बोलते हैं बच्चा? हेलोजन डेरिवेटिव बोलते हैं। अगर इन अ वेरी स्मॉल टर्म में हम इसको डिफाइन करना चाहें तो हम बोल सकते हैं रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन, रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन बाय हेलोजन। हाइड्रोजन निकाल दो और हेलोजन डाल दो, यही आपका हेलोजन डेरिवेटिव होगा। किसी भी हाइड्रोकार्बन के अंदर से हाइड्रोजन को एलिमिनेट कर देना और उसकी जगह पे हेलोजन को ऐड कर देना, दिस इज नोन एज अ हेलोजन डेरिवेटिव। नाउ बेटा व्हाट वी आर गोइंग टू सी आवर फर्स्ट टॉपिक, हमारा जो पहला टॉपिक होगा चैप्टर में, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ हेलोजन डेरिवेटिव। हेलोजन डेरिवेटिव को हम क्लासीफाई कैसे करेंगे? तो हमारा टॉपिक जो है दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ हेलोजन डेरिवेटिव। हेलोजन डेरिवेटिव का क्लासिफिकेशन करना है हमें। तो बेटा हम क्लासिफिकेशन, दो क्लासिफिकेशन है हमारे बुक में, तो हमारा जो सबसे पहला क्लासिफिकेशन होगा वो क्लासिफिकेशन होगा ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोजन एटम टू विच हेलोजन इज अटैच। तो हम यहाँ पे क्लासिफिकेशन जो है वो करेंगे ऑन द बेसिस, ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोजन, ऑन दी बेसिस ऑफ। स्टूडेंट्स हम यहाँ पे ये देखेंगे कि हमारे कौन से हाइड्रोजन एटम पे हम क्या कर रहे हैं, अपने हेलोजन को अटैच कर रहे हैं। ऑन दी बेसिस ऑफ हाइड्रोजन एटम टू विच हेलोजन इज अटैच्ड, जिससे आपका हेलोजन अटैच्ड हो, टू विच हेलोजन इज अटैच्ड। ओके स्टूडेंट्स, तो ये मेरा क्या होगा? क्लासिफिकेशन का मेथड होगा। तो सबसे पहले अगर मैं देखूं तो स्टूडेंट्स भी ऑल नो कि हमारे पास अल्केन होता है। अल्केन के बारे में बात करें, सबसे पहला क्लासिफिकेशन जो है वो हमें मिल जाएगा हेलो अल्केन्स। My first classification is going to be a haloalkanes. Now student, what is haloalkanes और haloalkanes हम किसको बोलते हैं? तो बेटा अगर मैं अपने अल्केन में मतलब ये मेरे पास CH3 CH2 CH2 CH3। ओके स्टूडेंट्स, ये जो मेरा था बच्चा, इसको मैं यूजुअली क्या बोलूँगी? आई एम गोइंग टू कॉल इट एज अ प्रोपेन, राइट स्टूडेंट्स। अब मैं क्या करूँ, इस प्रोपेन में से एक हाइड्रोजन को निकाल दूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा? CH3 CH2 और मेरे टर्मिनल से कार्बन क्या हो गया? निकल गया। और जहाँ से मैंने हाइड्रोजन निकाला वहीं पे मैं क्या कर दूँ? हेलोजन को ऐड कर दूँ। तो बेटा यहाँ पे मैंने एक हेलोजन ऐड किया, इट इज़ नोन एज हेलो, क्योंकि मैंने हेलोजन ऐड किया, और ये क्योंकि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, आई विल राइट डाउन हेलो अल्केन। मैं क्या बोलूँगी इसे? हेलो अल्केन। लेट अस टेक एन एग्जाम्पल। अगर मैं यहाँ पे मैं क्लोरीन लगा देती, CH3 CH2 CH2 और जो हाइड्रोजन गया मैंने उसकी जगह पे क्या लगा दिया बेटा, जो हाइड्रोजन गया मैंने उसकी जगह पे क्लोरीन लगा दिया, तो इसका नाम आ जाएगा क्लोरो, क्योंकि ये मेरा क्लोरीन है। अब यहाँ पे हम फ्लोरीन को फ्लोरो, क्लोरीन को क्लोरो, ब्रोमीन को ब्रोमो और आयोडीन को आइडो बोलते हैं, हेलो। और अल्केन में मीथेन, इथेन, प्रोपेन, तो इसका नाम क्या आ गया, प्रोपेन आ गया। तो बेटा अगर मैं अल्केन मतलब मैं अगर अल्केन में से हाइड्रोजन को निकाल देती हूँ और वहाँ पे हैलोजन लगा देती हूँ, देन वी आर गोइंग टू कॉल इट एज अ हेलो अल्केन। ये मेरा पहला क्लासिफिकेशन हो गया। नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट माई सेकेंड क्लासिफिकेशन। सेकेंड क्लासिफिकेशन इज हेलो अल्कीन। सेकेंड क्लासिफिकेशन जो है बच्चा वो क्या होगा, हेलो अल्कीन का होगा। तो स्टूडेंट्स अगर मैं ये देखूँ CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये मेरा क्या था, ये मेरा अल्कीन था। अब इस अल्कीन में से अगर मैं हाइड्रोजन निकाल देती हूँ तो आई विल गेट CH2 डबल बॉन्ड CH, और हाइड्रोजन निकाल के अगर मैं यहाँ पे हैलोजन लगा देती हूँ, तो नाउ स्टूडेंट दिस इज गोइंग टू बी नोन एज अ हेलो अल्कीन। अगर अल्कीन में से हाइड्रोजन को निकाल दिया जाए और उसकी जगह पे हैलोजन को लगा दिया जाए, देन वी आर गोइंग टू कॉल इट एज अ हेलो अल्कीन। ओके स्टूडेंट्स, अब हमने हेलो अल्केन देख लिया, हमने हेलो अल्कीन देख लिया। नाउ स्टूडेंट आई एम गोइंग टू इरेज दिस पार्ट, और यहाँ पे हम अब अपना थर्ड क्लासिफिकेशन देखते हैं, विच इज़ नोन एज अ हेलो अल्काइन। हेलो अल्काइन, बेटा अल्काइन मीन्स वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ट्रिपल बॉन्ड, राइट स्टूडेंट्स। तो अगर मेरे पास ऐसा कुछ है CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ओके स्टूडेंट्स, और यहाँ पे इसको मैं क्या बोलूँगी, आई कॉल इट यूजुअली अल्काइन, आई कॉल इट एज अल्काइन। तो अगर मैंने यहाँ से हाइड्रोजन निकाला तो हो जाएगा CH2 ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पे C, हाइड्रोजन की जगह पे मैंने अटैच कर दिया है हैलोजन। स्टूडेंट आई एम रिप्लेसिंग माय हाइड्रोजन विथ हैलोजन, एंड दिस इज़ नोन एज अ हेलो अल्कीन। इसे हम क्या बोलते हैं, अल्काइंस। बेटा दिस इज़ नोन एज अ हेलो अल्काइंस। स्टूडेंट्स ये हो गया। अब अगर मैं अपना फोर्थ क्लासिफिकेशन देखूं तो दे आर नोन एज हेलो अरीन्स। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन जो हमारा होगा उसके बारे में हम बोलेंगे, दे आर नोन एज अ हेलो अरीन्स। अब स्टूडेंट्स एरीन जो है इट इज़ अ एरोमेटिक कंपाउंड। तो अगर ये मेरे पास बेंजीन रिंग है, ये मेरा एक एरोमेटिक कंपाउंड है, और इस एरोमेटिक कंपाउंड में अगर मैंने हैलोजन अटैच कर दिया है तो नाउ दिस इज़ नोन एज अ हेलो अरीन्स। तो बेटा मैंने कौन से हेलो अरीन्स, ये मेरा जो क्लासिफिकेशन था, क्लासिफिकेशन वाज ऑन द बेसिस ऑफ स्टूडेंट इट इज़ हाइड्रोकार्बन। कौन से हाइड्रोकार्बन पे आप हैलोजन अटैच कर रहे हो उसके बेसिस पे। अगर आप अल्केन पे अटैच कर रहे हो इट इज़ नोन एज अ हेलो अल्केन। अगर आप अल्कीन पे अटैच कर रहे हो हेलो अल्कीन। अगर आप अल्काइन पे अटैच कर रहे हो हेलो अल्काइन। और अगर आप एरोमेटिक कंपाउंड पे अटैच कर रहे हो तो इट इज़ नोन एज अ हेलो एरीन। स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा जो है पहला क्लासिफिकेशन का बेसिस हो जाता है। तो बेटा इट वाज माय फर्स्ट टाइप। ओके नाउ अगेन आई एम हैविंग हियर माय सेकंड टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन, एंड द क्लासिफिकेशन इज ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम, कितने हैलोजन एटम्स आप अटैच करोगे उसके बेसिस पे हम ये जो है क्लासिफिकेशन करने जा रहे हैं। हैलोजन डेरिवेटिव्स, HD इज अ हैलोजन डेरिवेटिव, इज क्लासिफाइड एज, बच्चा ये कुछ इस तरह से क्लासिफाई होगा। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, मेरे पास है एक CH3 CH2 और यहाँ पे मैंने एक हैलोजन लगा दिया। बेटा मैंने कितना हाइड्रोजन निकाला है, मैंने एक हाइड्रोजन निकाला है और उसको रिप्लेस कर दिया है एक हैलोजन से। तो इट इज़ नोन एज अ स्टूडेंट, इसको हम बोलते हैं, आई विल राइट डाउन हियर, मोनो हैलोजन डेरिवेटिव. मोनो हैलोजन डेरिवेटिव. बच्चा वहाँ पे डी डेरिवेटिव है. दूसरा, इसी में अगर मेरे पास ये एरोमेटिक कंपाउंड है और एक हैलोजन अटैच कर दिया है तो दिस बोथ आर नोन एज अ मोनो हैलोजन डेरिवेटिव. मोनो हैलोजन डेरिवेटिव में क्या होता है, वन हैलोजन इज गेटिंग रिप्लेस्ड बाय वन हाइड्रोजन. तो यहाँ पे हो रहा है रिप्लेसमेंट ऑफ वन हाइड्रोजन एटम, रिप्लेसमेंट ऑफ वन हाइड्रोजन एटम बाय वन हैलोजन एटम. वन हैलोजन एटम, मैं एक हाइड्रोजन एटम को जो है बेटा रिप्लेस कर रही हूँ किससे, एक हैलोजन एटम से. तो इसे हम क्या बोलते हैं, मोनो हैलोजन डेरिवेटिव. अब स्टूडेंट्स इसके बाद आएगा हमारा सेकेंड क्लासिफिकेशन. तो अब अगर मैं सेकेंड क्लासिफिकेशन के बारे में बात करूँ, आई एम हैविंग CH3. ओके स्टूडेंट्स, अब मैंने बेटा यहाँ पे CH और यहाँ पे मेरा जो है ये क्लासिफिकेशन में मैं क्या करूँगी, मैं दो हैलोजन को रिप्लेस कर रही हूँ. आई विल सिंपली राइट डाउन सच एज, यहाँ पे मैंने एक हाइड्रोजन लगा दिया और यहाँ पे मैंने एक हाइड्रोजन लगा दिया. तो यहाँ पे इन टोटल मैंने क्या किया है बेटा, दो हाइड्रोजन को निकाला है. रिमूवल ऑफ टू हाइड्रोजन, और उन दो हाइड्रोजन की जगह पे मैंने क्या लगा दिया है, दो हैलोजन लगा दिया है. और अगर यहीं पे सेम थिंग इफ़ आई लुक इन दी बेंजीन रिंग, तो व्हाट आई विल सी, दिस इज़ माय बेंजीन रिंग. और यहाँ पे आई एम रिप्लेसिंग माई टू हाइड्रोजन बाय हैलोजन. तो दिस काइंड ऑफ थिंग्स आर नोन एज डाई. बेटा डाई स्टैंडिंग फॉर टू डाई हैलोजन, मतलब आपके पास कितने हैलोजन हैं, डाई हैलोजन डेरिवेटिव, मतलब ये जो कंपाउंड है इस कंपाउंड के पास दो हैलोजन है, दे हैव टू हैलोजन. और लास्ट में अगर मैं अपने थर्ड क्लासिफिकेशन के बारे में बात करूं, नाउ दिस इज़ माय थर्ड क्लासिफिकेशन वेयर आई विल सी, मैं क्या कर रही हूं बेटा, मेरे पास लुक दिस इज़ माय बेंजीन रिंग फॉर नाउ, और मैंने अपने इस बेंजीन रिंग में तीन रिप्लेसमेंट कर दिया है. इफ़ आई एम रिप्लेसिंग इट बाय थ्री हैलोजन, तो इसको हम क्या बोलेंगे बच्चा, एक यहाँ पे आ गया, दूसरा मैंने यहाँ पे ले लिया और तीसरा मैंने यहाँ पे ले लिया. ठीक है, तो बेटा यहाँ पे कितने हैलोजन का रिप्लेसमेंट हो रहा है बच्चा, यहाँ पे तीन हैलोजन का रिप्लेसमेंट हो रहा है. और वी कैन टेक एन एग्जाम्पल सच एज, मेरे पास CH2 CH और यहाँ पे आ गया CH2. यहाँ पे मैंने एक हैलोजन ले लिया, यहाँ पे एक हैलोजन ले लिया, ये हैलोजन ले लिया. तो मेरा जो ये कंपाउंड है बच्चा, मेरा ये कंपाउंड कितने हैलोजन से बना हुआ है स्टूडेंट्स, तो मेरा जो ये कंपाउंड है स्टूडेंट्स ये तीन हैलोजन से बना हुआ है. एंड दैट्स वाई वी आर गोइंग टू कॉल इट एज अ ट्राई हैलोजन डेरिवेटिव. तो बेटा ये जो आपका कंपाउंड है इसे हम बोलेंगे ट्राई हैलोजन डेरिवेटिव्स. आई होप स्टूडेंट्स आपको ये क्लासिफिकेशन समझ में आ गया होगा. अगर अल्केन में लगा रहे हैं हैलोजन तो वी आर गोइंग टू कॉल इट एज अ हेलो अल्केन. अल्कीन में लगा रहे हैं हेलो अल्कीन, अल्काइंस में लगा रहे हैं हेलो अल्काइंस, और एरोमेटिक कंपाउंड में लगा रहे हैं तो हेलो अरीन्स. अगर मैं एक हाइड्रोजन को एक हैलोजन से रिप्लेस कर रही हूँ तो मोनो हैलोजन डेरिवेटिव. दो हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रही हूँ डाई हैलोजन, और अगर तीन हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रही हूँ तो ट्राई हैलोजन. तो बेटा यहाँ पे मेरा जो है क्लासिफिकेशन ऑफ हैलोजन कंप्लीट हो जाता है. आगे जाके बच्चा हमारे पास जो क्लासिफिकेशन है, हमारा जो बेसिक होगा इस चैप्टर में एम, वो होगा मोनो हैलोजन डेरिवेटिव को पढ़ना. तो ना नेक्स्ट टॉपिक विच वी हैव इन आवर बुक इज़ अ क्लासिफिकेशन ऑफ मोनो हैलोजन डेरिवेटिव्स. हम किस तरह से मोनो हैलोजन डेरिवेटिव्स को क्लासीफाई करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, बिफोर दैट टेक स्क्रीनशॉट सो दैट वी कैन मूव अहेड एंड सी क्लासिफिकेशन ऑफ मोनो हैलोजन डेरिवेटिव्स. स्टूडेंट्स, तो नाउ लेट अस सी अ क्लासिफिकेशन ऑफ मोनो हैलोजन डेरिवेटिव. तो बेटा हम जो ये क्लासिफिकेशन करने वाले हैं ये बेसिस पे होगा कि मेरे हैलोजन एटम का पोजीशन क्या है और साथ साथ में वो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन, कौन से कार्बन से अटैच्ड है. तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट स्टूडेंट मैं सबसे पहले इसे क्लासिफाई करूँगी एज प्राइमरी अल्काइल हलाइड, सेकेंडरी अल्काइल हलाइड एंड टर्शियरी अल्काइल हलाइड. तो स्टूडेंट्स वी आर गोइंग टू सी व्हाट इज प्राइमरी अल्काइल हलाइड, व्हाट इज सेकेंडरी अल्काइल हलाइड एंड व्हाट इज टर्शियरी हलाइड. बेटा अगर मेरे पास पहले R मेरा फंक्शनल ग्रुप है और यहाँ पे आई एम गोइंग टू हैव CH2 और यहाँ पे मेरे पास हेलोजन है. तो बेटा मेरा ये जो हेलोजन है वो इस कार्बन से अटैच्ड है, राइट स्टूडेंट्स, और ये मेरा कार्बन सिर्फ एक और कार्बन से अटैच्ड है. तो इसके पास हम इसे 1 डिग्री बोलते हैं और इसी 1 डिग्री को हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी हैलाइड, प्राइमरी हैलाइड. बेटा प्राइमरी हैलाइड में क्या हो रहा है, जो मेरा जो हेलोजन है वो जिस कार्बन से अटैच्ड है वो सिर्फ एक ही कार्बन से अटैच्ड है और इसे हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी हैलाइड बोलेंगे. स्टूडेंट अगर मैं नेक्स्ट केस की बात करूं तो मेरे पास नेक्स्ट है, दिस इज माय आर, ओके, विच इज गोइंग टू बी माय थिंग. फिर इसके बाद आ गया CH और यहाँ पे भी है मेरे पास R, ओके स्टूडेंट्स, और इस कार्बन से मेरा हेलोजन अटैच्ड है. तो बेटा मैं अगर देखूंगी तो ये R आपका CH3, CH2 कुछ भी हो सकता है. तो यहाँ पे आपका जो कार्बन है जो हेलोजन से जुड़ा हुआ है, मतलब मेरा हेलोजन इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, वो एक कार्बन से इस तरफ भी अटैच्ड है और वो एक कार्बन से इस तरफ भी अटैच्ड है. तो ये मेरा 2 डिग्री कार्बन है बिकॉज ये इसके पास 2 एडजेसेंट कार्बन है. तो नाउ वी आर गोइंग टू कॉल इट एज अ सेकेंडरी हैलाइड. दिस इज माय सेकेंडरी हैलाइड, ओके स्टूडेंट्स. तो जो मेरा सेकेंडरी हैलाइड होगा, जो मेरा प्राइमरी हैलाइड होगा उसे 1 डिग्री हैलाइड बोलेंगे, जो मेरा सेकेंडरी हैलाइड है उसे हम 2 डिग्री हैलाइड बोलेंगे. और लास्ट में बेटा अगर मैं देखूं तो यहाँ पे मेरे पास आ गया R और इसके साथ ये तीनों तरफ से कार्बन से जुड़ा हुआ, इट इज़ अटैच्ड फ्रॉम ऑल दी साइड्स टू कार्बन और यहाँ पे लगा हुआ है हेलोजन. तो जिस हेलोजन, मेरा हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो और 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए मैं इसे 3rd डिग्री कार्बन बोल सकती हूँ, विच इज़ ऑल्सो नोन एज अ टर्शियरी हैलाइड. तो स्टूडेंट्स ये मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा हो गया टर्शियरी हैलाइड एंड विच इज़ ऑल्सो नोन एज अ 3 डिग्री हैलाइड. तो बेटा मैं ये देखूंगी कि मेरे हेलोजन की पोजीशन क्या है. अगर मेरा हेलोजन प्राइमरी कार्बन से लगा हुआ है तो प्राइमरी हैलाइड बोलेंगे, अगर मेरा हेलोजन सेकेंडरी कार्बन से अटैच्ड है सेकेंडरी बोलेंगे, और अगर मेरा कार्बन टर्शियरी कार्बन से अटैच्ड है तो उसे हम टर्शियरी हैलाइड बोलेंगे. तो मोनो हेलोजन डेरिवेटिव का ये क्लासिफिकेशन है, प्राइमरी हैलाइड, सेकेंडरी हैलाइड और टर्शियरी हैलाइड. नाउ स्टूडेंट्स आगे जाके हम मोनो हेलोजन डेरिवेटिव को कुछ इस तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं. सेकेंड क्लासिफिकेशन विल बी अलाइलिक हैलाइड. सेकेंड क्लासिफिकेशन में हम इसे बोलते हैं अलाइलिक हैलाइड. तो बेटा अगर मैं अलाइलिक के बारे में बात करूँ, यू नो CH2 डबल बॉन्ड CH, अलाइलिक हैलाइड में आपके पास CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे हो गया आपका CH2. नाउ दिस इज स्टूडेंट्स माय अलाइल, ये मेरा क्या है, अलाइल है, वी कॉल इट एज अलाइल. और बच्चा अगर मैंने अपने इस अलाइल से एक हेलोजन अटैच कर दिया है, इफ़ आई एम अटैचिंग एनी हेलोजन टू माय अलाइल देन इट इज़ नोन एज अलाइलिक हैलाइड, इट इज़ नोन एज अलाइलिक हैलाइड. For an example, if I have CH2 double bond CH, CH2 और यहाँ पे आ गया Cl, तो इसे हम क्या बोलेंगे, अलाइलिक क्लोराइड बोलेंगे. बेटा क्या बोलेंगे, अलाइलिक क्लोराइड. तो मोनो हेलोजन डेरिवेटिव, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे सिर्फ एक हेलोजन है, तो ये मेरे क्लासिफिकेशन को मैं क्या बोलूँगी, आई एम गोइंग टू कॉल इट एज अ अलाइलिक हैलाइड. हेलोजन एटम इज़ बाउंडेड टू sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन. यहाँ पे अलाइलिक हैलाइड में क्या हो रहा है, हेलोजन एटम, आपका जो हेलोजन एटम है इज़ बाउंडेड, ये किससे बाउंडेड है, इज़ बाउंडेड टू sp3 hybridized कार्बन एटम। बेटा अगर आपके कार्बन के पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन है और उससे वो अटैच है क्लोरीन, वी आर गोइंग टू कॉल इट एज अ अलाइली हलाइड। नेक्स्ट स्टूडेंट अगर मैं बात करूँ तो हमारे पास आएगा विनाइल हलाइड। ओके बच्चा, तो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन जो आ गई वो हम किसके लिए करते हैं, वी आर गोइंग टू कीप इट फॉर विनाइल हलाइड। तो बेटा विनाइल हलाइड क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH, इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम विनाइल बोलेंगे। और यहाँ पे अगर कोई हैलोजन अटैच्ड हो जाता है तो उसे हम क्या बोल देते हैं बच्चा, उसे हम बोल देते हैं विनाइलिक हलाइड। फॉर एन एग्जाम्पल इफ़ आई हैव CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे आ गया आपके पास Cl, तो नाउ इट इज़ नोन एज अ विनाइल क्लोराइड। बेटा इसे हम क्या बोलेंगे, आई एम गोइंग टू कॉल इट एज अ विनाइल क्लोराइड। तो दिस इज़ हाउ वी हैव सीन अ क्लासिफिकेशन। अब अगर मेरे मोनो हैलोजन डेरिवेटिव का नेक्स्ट क्लासिफिकेशन देखूँ, विच इज़ नोन एज अ हैलो अल्काइन, विच यू हैव ऑलरेडी सीन। अगर CH ट्रिपल बॉन्ड CH है तो आई एम गोइंग टू कॉल इट एज अ अल्काइन, और यहाँ पे हाइड्रोजन की जगह पे एक हैलोजन लगा दिया जाए तो इसे हम क्या बोलेंगे, हैलो अल्काइन। ओके स्टूडेंट्स, तो ये मेरा फर्दर क्लासिफिकेशन हो गया। अभी नेक्स्ट में अगर मैं बात करूँ, मेरे पास कोई एरोमेटिक कंपाउंड है विच इज़ माई अराइल, और यहाँ पे मैंने हैलोजन अटैच कर दिया, तो बेटा व्हाट आई एम गोइंग टू कॉल इट स्टूडेंट्स, या तो मैं इसे हैलो अरीन बोलूँगी या फिर तो ये मेरा क्या हो जाएगा, आई एल गोइंग टू कॉल इट एज अ हैलो अरीन। सो स्टूडेंट दिस इज़ अ बेसिक क्लासिफिकेशन ऑफ मोनो हैलोजन डेरीवेटिव, प्राइमरी हलाइड, सेकेंडरी हलाइड, टर्शियरी हलाइड, अलाइलिक halide, vinyl halide, halo alkyne and halo arene. This all are the classifications which we can see in mono halogen derivative. Beta, in this chapter we are going to usually focus on mono halogen derivative, where my one halogen is going to be replaced where my one hydrogen is going to be replaced by halogen. Student, whenever we are studying any of my organic chemistry, सो देर आर समथिंग लाइक हम लोगों को सबसे पहले उसका क्या समझना होगा, बेसिक सा। जैसे मैं हैलोजन डेरिवेटिव पढ़ रही हूँ तो मैंने हैलोजन डेरिवेटिव क्या होता है वो सब देख लिया। सेकेंड थिंग इज़ ऑलवेज यू हैव टू स्टडी क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन अलग अलग बिहाफ पे हो सकते हैं और हमें वो क्लासिफिकेशन पढ़ना। एक बार आपका क्लासिफिकेशन हो जाता है देन यू हैव टू अंडरस्टैंड द नोमेनक्लेचर। मैं इस कंपाउंड को नाम कैसे दूंगी, हैलो अरीन, हैलो अल्कीन, या क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पे हो रहा है। तो हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो हम अपने इस नेक्स्ट लेक्चर में वहाँ पे डिस्कस करेंगे अबाउट नोमेनक्लेचर फ्रॉम हैलोजन डेरिवेटिव। आगे जाके एक बार आपका नोमेनक्लेचर ख़त्म हो जाता है तो फिर आपको उसके प्रिपरेशंस के बारे में देखना होता है कि अब मैंने जो हैलोजन कंपाउंड अगर मैं बना रही हूँ हैलोजन डेरिवेटिव, तो अगर मुझे उसे लेबोरेटरी में प्रिपेयर करना है या इंडस्ट्रीज़ में प्रिपेयर करना है तो मैं कैसे करूँगी। सो दैट इज़ माई मैथड ऑफ प्रिपरेशन। और लास्ट में हम लोग स्टूडेंट्स क्या देखते हैं, हम ये देखते हैं इनकी केमिकल रिएक्टिविटी कैसी होती है, ये बनने के बाद किस किस से रिएक्ट करके कौन कौन से प्रोडक्ट बना सकते हैं। इतना सब पढ़ने के बाद आपको लास्ट में कुछ एप्लीकेशंस के बारे में बात करनी होती है कि इसका यूज़ कैसा है एंड ऑल दोज थिंग। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने आज अपने मोनो हैलोजन डेरिवेटिव का क्लासिफिकेशन भी कंप्लीट कर लिया है। हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में नोमेनक्लेचर के बारे में बात करेंगे। बेटा नोमेनक्लेचर हम बेसिक लेवल से लेंगे और वहाँ पे हम कॉमन नेम के कुछ सर्टेन रूल्स भी पढ़ेंगे जो आपको शायद क्लास 11 के बाद 12th में आते आते याद नहीं रह जाता है, तो दैट वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। ओके स्टूडेंट्स, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई लेक्चर्स एंड कीप वॉचिंग।